अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ए न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आप मुझे मेरा टेस्ट कर रहे हैं क्या? होता है आप एक समय मेरा टेस्ट कर रहे हैं आप? अब आपके 200 लोगों का आपने उस दिन टेस्ट किए, वैसे समझ लीजिएगा आपका फल लिस्ट के अंदर है। मेरा नाम 46 नंबर के ऊपर है। मैं कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको कि आप 200 लोगों का है तो पूरी लिस्ट है तो मेरे पास ले जाए। लेकिन 46 नंबर के ऊपर इम्तियाज अली का नाम लिखा हुआ है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उतना पेपर आप निकलवा के दे सकते हैं। ये पढ़ल कर मैडम ने उस दिन है तो तय किए कि हाँ हम करेंगे करके, कलेक्टर साहब ने बोले अभी आपने कोई एक लेटर लिख के दिया है कि तुम्हारे जो बनता है रिपोर्ट उसी टाइम जो जो पेशेंट है उसको SMS कर दो, पॉजिटिव निगेटिव जो भी है उसको डायरेक्ट SMS कर दो। ऐसा है कि आप सर्टिफिकेट भी करिएगा, कल के दिन है तो अगर मुझे डाउटफुल है कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, आपने मुझे रिटर्न के अंदर दिए हैं, मैं मेरा स्वैब है तो मैं कोई प्राइवेट टेस्ट के लैब के अंदर टेस्ट करवाता हूँ कि मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है, मैं मेरा स्वैब दूसरे प्राइवेट लैब के अंदर करवाता हूँ, तो आप लोग रिटर्न के अंदर देने के लिए क्या हिचकिचाहट है मुझे बताइए। गवर्नमेंट का कौन सा रूल है जिसके तहत आपको ये बताया गया है कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं? इंडिविजुअल रिपोर्ट नहीं निकलती आज, नहीं निकलती नहीं है, रिपोर्ट निकलती नहीं है, हर एक पूरा 200 रिपोर्ट होता है इंडिविजुअल। अगर फिर देखिए अगर वैसा ही अगर आपने तय कर दिया है तो फिर आप ये समझ लीजिएगा ये रूल कॉलोनी में इंसिडेंट हुआ है, आपको शहर के हर इलाके के अंदर ये फेस करना पड़ेगा। हर एरिया के अंदर तुम्हारा ये तो अर्धे कई लोग 5% 10% पड़न पर जाते हैं इसमें खाना पॉजिटिव है। आप देखिए इतने भीड़ के अंदर आप जा रहे हैं, आप लिख दीजिए पॉजिटिव ये केस आया हुआ है, दिस इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम। आप कितने हैं मतलब मुझे बताइए ना, अगर हज़ारों के अंदर पॉजिटिव अगर निकल गया तो मुझे समझ में आ रहा है, आपके पास 500 है उसमें 500 के लिए आप इंडिविजुअली क्यों नहीं आप एक एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि भैया ये आपको पॉजिटिव, नेगेटिव तो देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पॉजिटिव तो आपको देने का है ना। दिस इज़ अ जेन्युइन इशू मैडम। क्या हुआ कि बुड्डी लाइन के अंदर का इशू हुआ, दूसरे दिन लोकमत ने क्या छापा कि बोगस टीम सब घूम रही है करके, आज हर एक के जहन के अंदर ये है, 6 कॉलम का आर्टिकल छापा है उसने कि ये बोगस टीम आई थी, मतलब लोगों के हर एक के जहन के अंदर आ गया है कि कोई भी आ रहे हैं हमको उठा के लेके चले जा रहे हैं। ये हुआ नहीं थे उन इशू पर, बुड्डी लाइन का इशू इतना वायरल हुआ मैडम वो वीडियो, और उसके बाद जो पेपर में छापा कि मतलब ये बोगस टीम से घूम रही है करके, मुझे मालूम है कि उसका एक्चुअल रियलिटी क्या है, लेकिन ये लोगों को कन्विंस करना मेरे लिए भी बस की बात नहीं है ना, आप कन्विंस कर सकते हैं तो इसलिए थोड़े से अपने को सिस्टम अपने ये करना जो उनको अलग से उनको वो एक अलग से हम लोग आप अपना फॉर्मेट बना के रिपोर्ट दे दीजिए। हाँ एक लेटर को दूँ फैमिली एक लेटर के अंदर दे दीजिए, बिल्कुल सही है। अगर एक बिल्डिंग के अंदर अगर आपके पास 10 है तो हम 10 सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप कम से कम एक लेटर हेड के ऊपर सम ऑथराइज सिग्नेटरी कि जो ये बोल रहा है कि आपका स्वैब टेस्ट लिया गया था इस दिन लिया गया था, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आपको क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन यूज़ द फोर्स। अब हर वक्त है तो पुलिस वालों को अगर लेके जाएंगे तो हल नहीं होने वाला, और लोगों का रेजिस्टेंस पावर खत्म होता है। ऐसा लगता है कि ये स्प्रे होगा उसकी फैमिली को पहले डैमेज करेगा फिर बाद में दूसरों को करेगा, इसलिए हर छोटा बच्चा है। ये केस है, ये एक तारीख का है, एक तारीख का पॉजिटिव है, आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है, हम लोग ढूंढ रहे थे दूसरा काम कर रही है, हमारी धरपड़ भी चल रही है तो बाकी के कॉम्प्लिकेशन दवाई नहीं दे सकते तो उनको सिविल हॉस्पिटल थाना सिविल में नागरे मैडम ऐसे लेती थी उनसे एक बार हो सकता है तो घर के तो भी मेडिसिन दे सकते हैं कुछ इतना तो करना।